दिल्ली एनसीआर में सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। भीषण गर्मी में फल और सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते एक हफ्ते के दौरान कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आलम यह है कि लोगों को फल और सब्जियों के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा दाल के दामों में भी करीब 11% का इजाफा हुआ है। दरअसल गर्मी की वजह से खेतों से सब्जियां मंडियों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तापमान के रिकॉर्ड स्तर पर जाने से सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। इससे मंडियों में सब्जियों की आवक घट गई है। इतना ही नहीं, भीषण गर्मी से मंडी में सब्जियां जल्दी खराब हो रही है। इसमें टमाटर, लौकी, तोरई जैसी जो मौसमी सब्जियां होती है वो भी शामिल है। जो आलू, प्याज, टमाटर है उनके दाम तो लगातार दोगुने ही होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसमी सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं। आसमान पर सब्जियों की कीमत पहुंच गई है। बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, फूल गोभी की अगर बात करें 80 रुपए किलो मिल रही है, पलवल 60 रुपए किलो मिल रही है, लौकी के दाम 60 रुपए तक पहुंच गए हैं, हरे धनिया के दाम 150 रुपए तक पहुंच गए हैं, नींबू के दाम 120 रुपए, टमाटर के दाम 40 रुपए, हरी मिर्च 100 रुपए, अदरक 200 रुपए और लहसुन 250 रुपए। लगातार देखिए महंगाई बढ़ती हुई नजर ही आ रही है। अब ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। भीषण गर्मी से फसलें सूख रही है, हरी सब्जियां भी खराब हो रही है, गर्मी से सप्लाई पर काफी असर पड़ रहा है, स्टोर की सब्जियां खराब हुई हैं, नई फसलों की बुआई में अभी देरी है और जो फसलें हैं वो आधी से ज्यादा खराब हो रही है। इस वजह से देखिए ये जो फलों के सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो आम आदमी के पॉकेट पर पड़ रहा है, जो गृहिणी है उनके किचन बजट पर पड़ रहा है। आम जनता एक तरफ प्रचंड गर्मी से बेहाल है, परेशान है, और दूसरी तरफ दिल्ली में तो जल संकट भी है, या हम दिल्ली एनसीआर के इलाके की ही बात कर रहे हैं, और तीसरी तरफ देखिए महंगाई की मार जो आम आदमी के पॉकेट पर पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी बेहाल है, काफी ज्यादा परेशान है। यही सवाल पूछ रहा है कि कब इस महंगाई की मार से निजात मिलेगा। गर्मी इतनी भीषण है जिसने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, और इस भीषण गर्मी के बीच में महंगाई की मार लोगों को परेशान कर रही है। कुछ फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं कि किस वजह से महंगाई बढ़ रही है। भीषण गर्मी की वजह से फसलें सूख रही है, और इस बार तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो हरी सब्जियां होती है ज़्यादातर लोग अपने डाइट में शुमार करते हैं हरी सब्जियों को, वो खराब हो रही हैं। गर्मी की वजह से सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है, जो सब्जियां हैं वो मंडियों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, स्टोर की सब्जियां भी खराब हो रही है, नई फसलों की बुआई में अभी देरी है। इस वजह से देखिए लोग भी परेशान काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे प्रमोद का हम रुख कर लेंगे और बात करेंगे प्रमोद से। प्रमोद देखिए, एक तरफ तो प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, और दूसरी तरफ ये महंगाई की मार जो आम आदमी के सीधे पॉकेट पर असर डाल रही है। प्रमोद देखिए, बिल्कुल आम आदमी के ऊपर ये दोहरी मार है। एक तरफ जो प्रचंड गर्मी है उसने जीना मुहाल कर रखा है, उसके बाद गर्मी की वजह से जो हरी सब्जियां हैं उसके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम एक सब्जी की दुकान पे मौजूद है जहां पर भी रेट जो है वो पहले की तुलना में अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की जेब पर उसका सीधा असर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो सब्जी वाले उन्हीं से जानते हैं, ये बताइए पहले और अब के मुकाबले सब्जी का कितना है? पहले से अभी बहुत अंतर है सर, पहले जो चीज़ 30 रुपये में मिल रही थी वही 50 रुपये हो चुके इस टाइम पे। टमाटर अभी 3 दिन पहले तक 30 रुपये था, 50 रुपये बिक गया, प्याज भी 50 हो गए, 30 थी। आलू देख लो, खाने डेली की चीज़ है, 25 से 30 बिकना चाहिए, 40 रुपये बिक गया है। मंडी से ही महंगा आ रहा है, किस किस वजह से आ रहा है सर? सोल्ट है, इसकी स्टोर किया हुआ लोगों ने, तो महंगा खुद बेच गए ये लोग, स्टोर किया हुआ महंगा खुद बेच गए, तो क्या किया जा सकता है। आलू का कट्टा 1400 रुपये का, 32-33 रुपये किलो मंडी में आलू है, अब लाए गए खर्चा भाड़ा क्या भाव बेचेंगे, 40 बेचे जैसे लिए। तो लोग जितना खरीदते थे उतना ही खरीद रहे हैं या कुछ कम ले रहे हैं? अब पहले से आधे से भी आधा हो चुका है, जो 1 किलो सब्जी लगेगी उस घर में आधे किलो सब्जी लगाए वो लोग, क्या कहेंगे। टमाटर एक का पहले 2 काटते थे, अब 1 में ही काम कर लेते 2 टैंक का। देखिए बिल्कुल, जैसे अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की जो है ज़रूरतें अपने आप कम हो गई है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी जेब पे पड़ रहा है। और सब्जी है दिन में 2-3 बार जो है वो बनानी है,
जो परिवार में कितने सदस्य होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सब्जी खरीदी जाती थी, लेकिन अब उसमें भी कटौती कर दी गई है क्योंकि गर्मी की वजह से जो हरी सब्जियां हैं वो जल्दी सूख रही है, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते और इसीलिए जो पीछे से मंडी में है सब्जी वही महंगी आ रही है और जो इस तरीके से फुटकर विक्रेता है उनके लिए और ज़्यादा महंगे वो बेचनी पड़ रही है क्योंकि आगे से ही वो जो महंगी सब्जी खरीद के ला रहे हैं और ऐसे में जो लोग हैं जिनकी जेब अलाउ नहीं करती है कि इतनी महंगी सब्जियां जो है गर्मी के दिनों में वो भी अब अपनी सब्जी की जो है अंदर कटौती कर रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ सब्जी बल्कि और भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। ना सिर्फ गर्मी की वजह से लोग क्योंकि बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे में घर के अंदर हैं तो फिर कहाँ पर किस तरीके से वो जो सब्जी है हरी सब्जी है वो खाए, उसको लेकर भी लोग जो है परेशान हैं क्योंकि दोहरी मार है ना सिर्फ गर्मी की बल्कि गर्मी की वजह से और कई जगहों पे जो बारिश हुई है तेज़ बारिश हुई है उससे भी फसल ख़राब हुई है, इसीलिए पीछे से जो सब्जी है वो मंडियों में ही महंगी आ रही है और महंगी सब्जी को खरीद कर जो फुटकर विक्रेता है वो अगर आता है तो उसके बाद उसे अपनी जो लागत है उसे निकालने के लिए और महंगी करके सब्जी बेचनी पड़ रही है और जो जो ग्राहक होता है जो एंड यूज़र होता है वो जो है जब सब्जी खरीदने आता है तो देखता है कि उसकी जेब पर कितना बड़ा बोझ जो है वो पड़ रहा है और ऐसे में जो एक किलो लेता है कुछ सब्जी लेता था हमेशा वो आधे किलो पे आ जाता है, यानी कि अपनी जो ज़रूरत है उसे वो कम करता है क्योंकि जितनी पॉकेट होती है जो बजट है वो उससे बाहर जा रही है। ये बताइए जो सब्जी जितनी लाते थे तुम भी उतनी ला रहे हो और यहाँ पर ख़रीदार उतनी ही खरीद रहे हैं या कम कर दिए? हमने हाफ कर दी सर, पहले 15,000 तक की सब्जी ले आते थे, इस टाइम 8,500-7,500 तक की सब्जी लाते, गर्मी यूज़ है नहीं और व्यापार इतना है नहीं इस टाइम पर, पहले व्यापार भी अच्छा था लोग सब्जी भी ले जाते थे, अब क्या है यह अभी 70 रुपये किलो हो चुका है तो ही 40 है मत, बाकी हर चीज़ महंगी, गोभी 140 रुपये किलो बिक रही है, नींबू 180 रुपये किलो, आदमी कोई नहीं लेता इस टाइम पे, हर कोई सोचता है कि कैसे अपना खर्चा बचाया जाए, कोई भी हो केला 80 रुपये दर्जन, हम भी आज केला नहीं लेके आए महंगाई के चक्कर में, हमने हाफ कर दिया सब्जी बिल्कुल। तो यानी कि जब लोग नहीं खरीदते होंगे तो काफ़ी सब्जी गर्मी की वजह से सड़ भी जाती होगी, ख़राब हो जाती होगी? सर 30% तो ही है व्यापार में नुकसान है, व्यापार में 30% है, 70% मुनाफा है तो 30% तो वेस्ट होना है इसमें, चाहे कोई भी हम हो या कहीं पे भी हो। देखिए बिल्कुल ये मजबूरी है इन लोगों की भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सब्जियों को स्टोर नहीं करके रख सकते, गर्मी की वजह से सब्जी ख़राब होती है तो इसीलिए जितनी सब्जी ये पहले लेके आती थी अब उसको जो है काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके वो सब्जी भी नहीं बिक रही है, कई महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है तो कटौती करनी ही पड़ती है। प्रमोद, हम आपसे अपडेट्स लगातार देते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो अब की बार जून में महंगाई की मार आप देख रहे हैं, सब्जियों के फलों के दाम बढ़ गए हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की पॉकेट पर पड़ रहा है।